हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। देखिए, जैसा कि हमने आपके लिए बताया था कि एक्सरसाइज 5.4 जैसा कि हमारी चल रही थी, जिसमें हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए थे और लघु उत्तर प्रश्न चल रहे हैं, जिसमें से हमने आपके लिए 7 तक करा दिए थे। अब हम आपके लिए 8वां प्रश्न बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। और जितने भी आप हमारी वीडियो पीछे देख चुके होंगे, उनमें आपको लिए सिलेबस पूरा कराया जा रहा है। ऐसा समझ लीजिए, आपके लिए पूरा कंटेंट इस पे रहेगा, हाई स्कूल का, मैथ का, और उसके बाद फिर इंटर का भी पूरा हम ही कराएंगे। अभी आपको कुछ ही समय बाद ये हो जाए हाई स्कूल का, तब आपको इंटर का भी सिलेबस मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न की, और प्रश्न है जो आपके लिए 8वां प्रश्न है। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, यहां से मैं आपके लिए 8वां प्रश्न करा रहा हूं। 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पद 17 तथा 350 है। देखिए, प्रथम पद कह रहा 17, यानी पहला पद हम यहां पर लिख दे रहे हैं। पहला पद है जो, वो है आपके लिए यहां पर 17। पहला पद है 17, ठीक है। इसी हिसाब से यहां पर कह रहे हैं कि अंतिम पद जो है 350 है, यानी अंतिम पद हमने लिख दिया। अंतिम पद कितना है, 350 है, ठीक है। अंतिम पद 350 है। कह रहे हैं सर्वांतर 9 है, यानी डी का मान है जो है वो 9 है। आपसे यह कहा जा रहा है कि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद होंगे, यानी एन का मान निकालना है, कितने पद होंगे, और तथा इन पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए, यानी इसका एस एन भी आपको ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखेंगे ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सॉल्यूशंस मिलेगा। देखिए ध्यान से, अगर यहां पर हमारे पास पहला पद है 17, तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 17 हो गया। इसी तरीके से अगर हमने पहला पद 17 लिख लिया है, a का मान, अंतिम पद 350 है, यानी l का मान है 350। l का मान क्या है, 350 है। अब ये एल का मान 350 है, इस तरीके से डी का मान 9 है, मैंने डी का मान भी यहां पर 9 लिख लिया है, और आपके लिए एन और एस एन का मान निकालना है। तो देखिए, अंतिम पद अगर 350 है, तो मैंने लिखा अंतिम पद का फॉर्मूला एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा। अब एल का मान कितना है, 350 है, तो मैंने लिख दिया 350 बराबर में, 350 बराबर में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए a का मान क्या है हमारे पास, a का मान है 17, तो मैंने लिख दिया 17 प्लस एन माइनस 1, भाई मेरे n का मान है नहीं, n माइनस 1 लिख दिया, d का मान हमारे पास है 9, ये लिखो 9 लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा, देखो 350, 17 को इधर ले आएंगे, माइनस का 17 बराबर में n माइनस 1 इंटू 9, ये आ गया। अब 350 माइनस 17, यानी 350 में से 17 घटा देंगे यहां पर, देखिए घटा रहे हैं, तो 10 में से यहां पर 7 गया, 3 बचा, और 4 में से 1 गया, 3 बचा, और यहां पर आपके लिए बचा 333। तो इस हिसाब से 333 बच गया बराबर में n माइनस 1 इंटू 9, ये। अब यहां पर n का मान निकालना है, तो इस टर्म को यहीं रहने देते हैं, 9 से भाग करा देते हैं, यानी हम लिखेंगे 333 और बटे में आ जाएगा 9 बराबर में n माइनस 1, ये आ जाएगा। अब हम इससे यहां पर देखो काट देते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 111 बटे में 3 बराबर में n माइनस 1। अभी और कट जाएगा यहां पर, 3 3 9, 9 2 11 21, 3 7 21, यानी 37 आ गया, 37 बराबर में n माइनस 1, 37 बराबर n माइनस 1 आ गया है। तो इस तरीके से हम यहां पर n का मान निकालेंगे, तो 37, ये जो माइनस का 1 है वो इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा प्लस का 1 बराबर में n हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर में n हो जाएगा, तो 37 और 1 कितना हो जाएगा, 38 बराबर n, यानी इट इंप्लाइज लिख सकते हैं n बराबर 38।
का मान 38 आ गया है। अब अगर n का मान 38 आ गया है तो इनके योगफल यानी इनका योगफल निकालना, 38 पदों का योगफल निकालना है आपके लिए। तो कैसे निकालेंगे हम 38 पदों का योगफल? देखिए ध्यान से, इसका फार्मूला हम लिख देते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू और यहां पर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर भाई n का मान 38 आ गया है तो हम हर जगह 38 रख देंगे और a और d का मान भी रख देंगे, यानी s 38 इक्वल टू n अपॉन टू यानी 38 अपॉन टू, 2 इंटू ए, ए का मान हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 17 और प्लस n माइनस वन इंटू डी का मतलब 38 है, तो 38 में से एक घट जाएगा तो 37 और गुणा d का मान हमारे पास है 9, ये आ गया। तो 2 से इसको काट देंगे, 2 एक कम 2 और 2 नेम 18, ये हो गया आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए आ गया 19 और 17 दूनी 34 हो गया, प्लस 9 की गुणा कराएंगे इससे, 9 से 63 का 3 हासिल लगा यहां पर, 6 9 3 27 और 27 और 6 यहां पर हो गया आपके लिए 33, ठीक है, ये हो गया। तो हम लिखेंगे यहां पर 19 गुणे 333 को हम जोड़ लेंगे 34 से, तो 4 3 7 3 3 6 और ये 3, 367 आ गया यहां पर, ये आ गया। अब आप यहां पर गुणा करा लेंगे 19 से, 9 सती 63 का 3 हासिल लगा यहां पर 6 और ये हो जाएगा 54 और यहां पर 6 60 हो जाएगा, 0 फिर से 6 कैरी आ जाएगा और 9 तिया 27 और ये 6, तो यहां पर आपके लिए 33 आ जाएगा। यहां लिख दिया गुणे में, 1 की करेंगे तो 1 से 7, 1 से 6 और 1 से 3, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो देखिए यहां पर आ गया आपके लिए 3, ये आ गया 7, ये 6 3 9 और 3 3 6, ये आ गया। एस 38 यानी 38 पदों का योगफल जो है वो ये आ गया है आपके लिए 6973, ये आपका आंसर हो गया। तो यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि हमने आपके लिए कराया, और प्रश्न था 8वां और ये लघु उत्तरी प्रश्न चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए एक बात ध्यान रखना है यहां पर हमेशा आपके लिए कि जो भी प्रश्न करते चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्या कहते हैं ध्यान से करना है, लेकिन आप ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप करना है, कहीं भी स्टेप गड़बड़ाना नहीं है। और आप जब धीरे धीरे इस प्रश्न को करेंगे, कोई भी प्रश्न है आप सॉल्व करेंगे अगर बच्चे, तो यहाँ पर बहुत धीरे धीरे करना है, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो प्रश्न आपका गलत हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें हमेशा प्रश्न को धीरे धीरे करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, जिससे हमारा प्रश्न जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ाए नहीं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्न आपके लिए कराएंगे, नवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नवा प्रश्न कराएंगे। देखिए स्टूडेंट यहां पर हम आपके लिए जो प्रश्न करा रहे हैं वो यहां पर प्रश्न है आपके लिए कौन सा, यहां पर आपके लिए नवा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नवा प्रश्न क्या है, नवा प्रश्न, प्रश्न यह है कि उस समांतर श्रेणी के पहले 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22 पे पद का मान 149 है। तो यहां पर देखिए श्रेणी के पहले 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी हमें यह दिया गया है n बराबर 22 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए यहां पर। और d का मान आपके लिए दिया गया है 7, तो d का मान मैंने लिख दिया है 7 और 22 में पद का मान 149 दिया गया है, यानी 22 में पद का मान जो दिया गया है वो 149 दिया गया है। अगर यह 22 में पद का मान दिया गया है तो आप देखो यहां पर 22 में पद को किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, 22 में पद को, तो बेटा यहां पर ध्यान से देखिए 22वें पद को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 22वें पद को एक नंबर कम में लिखा जाता है, एक नंबर कम में लिखा जाता है, तो यहां पर एक नंबर कम में लिखेंगे, इसका मतलब हुआ a प्लस ये 22 है तो 21 और d 21d a प्लस 21d बराबर में 149, ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, देखिए ये मैंने लिख लिया, आप देख लीजिए 22वां पद 149 था, तो इस हिसाब से 22वें पद के लिए लिख लिया a प्लस 21d बराबर में 149। बताइए इसमें यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब a का मान तो पता नहीं है लेकिन d का मान तो पता है, तो a प्लस 21 इंटू डी, डी का मान हमारे पास है 7, तो मैंने रख दिया यहां पर 7 बराबर में 149, ये आ गया। तो a प्लस 7 की गुणा करा देंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14,
147 बराबर में 149 ये बचा। तो इस हिसाब से हम यहां पर देखिए क्या करेंगे, a प्लस 147 को उधर भेज देंगे हम, बराबर में लिखेंगे 149 माइनस में 147 ये आ गया। तो a का मान आ गया हमारे हिसाब से यहां पर देखिए 149 या 47 है तो कितना कितने का फर्क है, केवल आप घटाएंगे तो 2, 47 48 49 यानी 2, a बराबर कितना आ गया 2 आ गया, a का मान हमारा 2 आ चुका है इस तरीके से। और a का मान 2 आ चुका है तो हमें 22 पदों का योगफल निकालना है, बिल्कुल हमारे पास a का मान आ गया, d का मान आ गया है, तो अब हम 22 पदों का योगफल निकाल रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से। देखिए ध्यान से, हमें यहां पर लिखा है 22 पद का योगफल निकालना है, तो 22 पदों का योगफल निकालने के लिए देखें हमें एन की जगह पर 22 रख दिया है, अब फार्मूला जो होता है इस हिसाब से 22 बटे 2 और 2a 2 इंटू ए, ए का मान हमारे पास आ चुका है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है तो ये 22 है तो 21 हो जाएगा, 21 इंटू डी, डी का मान हमारे पास देखिए ये 7 है तो मैंने 7 को यहां पर रख दिया है। अब बस कैलकुलेशन कर लेंगे तो 2 से यहां पर काट देंगे, 2 एकम 2 ये कट गया तो ये आ गया 11 और 2 दूनी ये 4 प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 147 ये आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे देखिए, 147 और ये 4 लिखा हुआ है इसको जोड़ लेंगे तो 11 और गुणे में ये 4 जोड़ लेंगे, यहां पर देखिए 47 है ये 4 जोड़ लेंगे 7 4 11 यानी यहां पर 51 हो जाएगा, 151 ये आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहां पर हम गुणा कर देंगे भाई मेरे, 151 गुणे में 11 ये देखिए गुणा कर दे रहे हैं, 1 से करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 5 को सही बनाएंगे 151 और गुणे 1 से 1 1 से 5 और 1 से 1 ये देखो जोड़ देंगे 1 5 और 1 6 5 और 1 6 और ये 1 इतना आ जाएगा 1661। इसका मतलब हुआ एस 22 यानी 22 पदों का योगफल जो आ गया तो 1661 यहां पर आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया, और जैसा कि हमारे प्रश्न में कहा गया था कि 22 पदों का योगफल क्या होगा, तो 22 पदों का योगफल 1661 होगा जिसमें ए का मान 2 होगा, ठीक है ए का मान 2 है। तो अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है तो प्रश्न यहां पर शुरू कर देते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न है, ये 9वां प्रश्न हो गया था हमारे पास और 10वां प्रश्न हमने ले लिया है, 10वां प्रश्न हम आपके लिए करा रहे हैं। तो देखिए 10वां प्रश्न कैसे करते हैं, लिखा है उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, हमें 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, पदों का योगफल 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है 51 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। और आपके लिए दिया गया है जिसके दूसरे तथा तीसरे पद क्रमशः 14 तथा 18 है, यानी दूसरा पद T2 बराबर लिख सकते हैं हम यहां पर 14 और तीसरा पद 18 यानी T3 इक्वल टू 18। तो हमें ना तो यहां पर A पता है और ना ही यहां पर D पता है, और जो 51 पदों का योगफल निकालना है तो इसमें हमें A और D होना आवश्यक है। तो A और D निकालने के लिए क्या करेंगे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं एक और डी की, तो टी टू बराबर 14 लिखा हुआ है तो आप जानते हो दूसरा पद है, तो इसका मतलब हम इसमें लिख सकते हैं ए प्लस 1d इक्वल टू 40 ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से टी थ्री को लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर में 18 ये लिख सकते हैं, और हम इनको देंगे घटा, इनको देंगे घटा, तो ये प्लस का है ये माइनस का है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर देखिए आप 2d और ये 1d में से जाएगा तो माइनस का 1d बचेगा इक्वल टू 18 में से ये 14 जाएगा तो बचेगा आपके लिए 4, वो भी माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d का मान आ जाएगा हमारे पास 4, d का मान कितना 4 आ जाएगा, d का मान अगर d का मान 4 आ गया है तो ये समीकरण नंबर 1 में रख के हम a का मान निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो एक में रख देंगे डी का मान, हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस वन डी इक्वल टू 14, तो यहां पर हम डी का मान रख देते हैं ए प्लस वन इंटू डी, डी का मान है 4 बराबर में 14, तो a बराबर आ जाएगा 14 माइनस 4, यानी a बराबर आ जाएगा 14 में से 4 गया 10, a का मान 10 आ गया। अगर ये a का मान 10 आ गया है तो अब हमारे पास a और d आ चुके हैं और 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो देखिए यहां पर 51 पदों का योगफल निकाल लेते हैं। S 51 बराबर 51 अपॉन 2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान हमारे पास 10 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन, एन मतलब 51 है, 51 माइनस वन इंटू डी, डी का मान हमारे पास है जो है 4 है। बस इसको सॉल्व करना है, देखिए 51 अपॉन 2 दो की गुणा 10 से हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 51 माइनस 1 यहाँ पर 50 हो जाएगा और डी का मान है 4, तो 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 5 को 20 और ये जीरो लिखा है तो 200 हो जाएगा, तो 51 बटे 2 गुणे 200 और 20 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 220। अब 2 से यहां पर भाग कर देंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और ये जीरो हो गया, तो इस हिसाब से 51 इंटू 110। अब आपके लिए यहां पर गुणा करा लेनी है, तो हमने लिखा 110 गुणे में 51, देखो 100011 क्रॉस 500, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5, 0165, ये आ गया 56 10। इसका मतलब ये हुआ कि 51 पदों का जो युगफल है वो यहां पर आपके लिए आ चुका है 56 और 10, ये आ चुका है। तो इस तरीके से यहां पर 51 पदों का योग 56 10 आ चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 10वां प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप यहां पर इसको वेरी इंपॉर्टेंट में मान लेंगे और ये प्रश्न आता भी खूब है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब बात करेंगे यहां पर हम 11वें प्रश्न की, और 11वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर बताएंगे आपके लिए 11वां प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम आपके लिए प्रश्न बताएंगे, प्रश्न 11वां है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 11वां प्रश्न, देखिए क्या कह रहे हैं 11वें प्रश्न में, कह रहे हैं 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए देखिए 0 से 50, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। 0 से 50 तक के बीच विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे इस बात को यहां पर देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं 0 और यहां पर लिख लेते हैं 50, इनके बीच की देखेंगे संख्याएं कितनी है। तो भाई मेरे यहां पर विषम संख्याओं की बात की गई है, तो विषम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से ना कटने वाली होती हैं। तो 0 से आप आगे बढ़ोगे, कहां बढ़ोगे, 0 से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमारे पास है विषम संख्या 1, इसके बाद हम यहां पर बढ़ेंगे 1, तो यहां पर लिख लिया 1, ये भी 1 मानी जाएगी। इसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या होती है उसको नहीं लिखेंगे, फिर हम 3 लिखेंगे, 3 के बाद हम 4 को नहीं लिखेंगे, फिर हम 5 को लिखेंगे, 5 को नहीं, हम फिर यहां पर इस हिसाब से 6 को नहीं लिखेंगे, फिर 7 को लिखेंगे, इस तरीके से चलेंगे। अब आप यहां पर देखिए ये जो अंतर है वो कितने का चल रहा है, देखिए 3 से 4 हुआ और 3 से यहां पर 3 से 4, 4 से 5 यानी 2 का अंतर है। इस हिसाब से यहां पर टर्म में अंतर देखेंगे, तो टर्म में कितना अंतर है देखिए ध्यान से, डी अंतर पे निकलता है T2 माइनस T1, तो इस हिसाब से 3 माइनस 1 कितना आया अंतर, 2 आया। और फिर अगला चेक करोगे तो 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2 आएगा, और ऐसे ही 7 माइनस 5 करोगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब इसका जो इंटरवल है यानी जो सर्वांतर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, तो कॉमन डिफरेंस 2 है, बिल्कुल सही है। 50 से पहले नंबर कौन सा आएगा, तो यहां पर अगर हम 50 से बात करें तो 48 आएगा, जो कि यहां पर 2 से कट जाएगा, तो 48 के बाद फिर क्या आएगा, 47 आएगा, तो यही हमारा 47 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हमारी जो सीरीज चल जाएगी वो ये हो जाएगी 1, 3, 5, 7, ...... 47, ये है। अब इन पदों में हमें निकालना है कि कितने पद होंगे और इनका सम क्या होगा, इनका संख्याओं का योगफल क्या होगा, इस बात को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर पहले टर्म की, a का मान है 1
और जो डी का मान हो जाएगा वो हमने आपको निकाल करके दिखा दिया है, डिफरेंस है इनका, कॉमन डिफरेंस 2 है तो डी का मान 2 आ गया। और लास्ट टर्म जो है यहाँ पर 47 है, यानी इसका जो अंतिम पद है वो 47 है। तो बात करते हैं सूत्र की, तो एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें अंतिम पद दिया गया, तो हम इसका प्रयोग कर लेंगे इस सूत्र का, तभी हमारे पास एन का मान आ सकता है। तो हम देखिए लिखते हैं, एल का मान है 47, तो मैंने लिख दिया 47 बराबर में ए, ए का मान हमारे पास 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमारे पास है 2, डी का मान है 2। तो इस हिसाब से हम यहां पर लिखेंगे 47 और 1 को इधर ले आएंगे, माइनस का 1 बराबर में एन माइनस 1 इंटू में 2, ये हो गया। तो देखिए 47 में से 1 गया, यहां पर बचेगा 46 यानी 46 माइनस का एन माइनस 1 इंटू 2, ये आ गया। इतना देखते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। देखिए मैंने यहां पर 1 को लाए हैं, 1 घट गया इधर आकर के 46 हो गया, तो हम यहां पर जो 2 लिखा हुआ है वो नीचे ले आएंगे। तो 46 बटे में 2 हो गया बराबर में एन माइनस 1, एन माइनस 1 आ गया। तो इस हिसाब से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी 23 बचेगा, तो 23 बराबर हो गया एन माइनस 1, ये एन का मान निकालना है। तो 1 को इधर ले आएंगे, तो हम यहां पर देखो लिखेंगे 23 प्लस एन का मान निकालेंगे, तो 1 इधर ले आएंगे तो बराबर में हो गया एन, एन अब 23 और 1 कितना हो गया 24, तो 24 बराबर एन यानी एन बराबर कितना हो गया 24 हो गया। एन का मान अगर 24 आ गया और हमारे पास ए का भी मान है और हमारे पास डी का भी मान है, तो तभी हम निकाल सकते हैं सम, ठीक है, सम निकाल सकते हैं, तभी हम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अब हमारे पास पता चल गया इसमें 24 पद हैं और 24 पदों का जो योगफल है वो हम निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए फार्मूला हमारा Sn बराबर होता है, हम फिर से लिख देते हैं n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ये हमारा सूत्र है, फार्मूला है सम का। n की जगह पर हमें रखना है 24 यानी s 24 इक्वल टू 24 अपॉन में 2 इनटू 2 इनटू a, a का मान हमारे पास यहां पर 1 और प्लस n माइनस 1 इनटू d, d का मान हमारे पास यहां पर देखिए d यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 है, ये रख दिया, तो 2 से यहां पर काट देंगे, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, इस तरीके से यहां पर आ गया आपके लिए 12। और 2 एक कम 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पदों का मान निकालना है n माइनस 1, अब n का मान तो 24 था, तो यहां पर हम लिख देते हैं n की जगह पर 24, क्योंकि हमें नंबर लिखना है। तो 12 गुणे में 2 प्लस 24 में से 1 चला जाएगा तो 23 आ जाएगा, और गुणे में 2, इस बात को लिख सकते हैं। तो 12 2 प्लस 23 दूना यहां पर 46, ये हो जाएगा, तो 12 गुणे में 46 और 2 यहां पर जुड़ जाएगा तो 48 हो गया। 48 की गुणा 12 से हो जाएगी, तो हम यहां पर करके दिखाते हैं आपके लिए 48 की गुणा 12 से। देखिए 2 से करेंगे यहां पर, 2 अट 16 का 6, हंसी लगा 1 2 चक्के 8 और 1 9 गुणे 1 से 8 और 1 से 4, 6 9 8 17 का 7, हासिल लगा 1 4 1 5, 576। इसका मतलब हुआ यहां पर एस 24 यानी 24 पदों का जो योगफल होगा वो 576 होगा, यानी 576 यहां पर प्रश्न हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आपके लिए 11वां जो प्रश्न था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने आपके लिए बता दिया है। अब हम आपके लिए यहां पर 12वां प्रश्न कराएंगे, फिर 13वां प्रश्न कराएंगे, इसी तरीके से सीरीज में नंबर चलते जाएंगे और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आपके खत्म होंगे। करीब यहां पर 16 प्रश्न है, तो बात करेंगे हम 12वें प्रश्न की। देखिए देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपके लिए अगला प्रश्न कराने जाना है, और अगला प्रश्न है यहां पर 12वां प्रश्न, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, शब्द समस्या का है यहां पर। इस तरीके से देखिए 12वां प्रश्न लिखा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए एक जुर्माना लगाया जाता है, जो कि लगाया जाता है पहले दिन का 200 रुपये, फिर अगले दूसरे दिन 250 रुपये, फिर अगले दिन 300 रुपये, इस तरीके से जुर्माना लगाया जाता है। और कह रहे हैं कि अगर 30 दिन कोई व्यक्ति काम विलंब से करता है तो उसके लिए कितना जुर्माना, कितना रुपए हो जाएगा, तो इस बात को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो पहले दिन का किराया यहाँ पर लगाया जाता है जुर्माना, वो 250, यहाँ पर 200 है पहला, फिर अगले यहाँ पर आया आपके लिए 250, फिर आया आपके लिए 300, और इसी तरीके से कहते हैं कि यहां पर
30 दिनों का कितना विलंब शुल्क होगा, इसके लिए जुर्माना कितना होगा। तो यहां पर देखिए, पहले दिन का जो 200 रुपए है, उसके बाद अगला 250 रुपए है, अगला 300 रुपए है, इस तरीके से सीरीज में लगाया जाता है इसके लिए। तो यहां पर हम इसको मान चल रहे हैं ए का मान 200, यहां पर पहला पद हमें दिया गया, पहली संख्या दी गई है, ए का मान 200 हो गया। इसी तरीके से डी का मान हम निकाल लेंगे। देखिए इनका अंतर कितना आएगा, तो हम T2 माइनस T1 से निकालते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 250 माइनस 200 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। इसी तरीके से अगला निकाल के देखते हैं, अगर तो T3 माइनस T2 यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे तो 300 माइनस का 250, इसका मतलब आ गया यहां पर हमारे लिए 50। यानी इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 का है और पहला पद जो है हमारे पास वो 200 है। तो हमारे पास ए और डी है। अगर ए और डी है तो हम इनका विलंब शुल्क निकाल सकते हैं 30 दिनों का। तो हम निकाल सकते हैं यहां पर 30 दिनों का विलंब शुल्क यानी जुर्माना, 30 दिनों का यानी 30 S30। तो 30/2 हो जाएगा, 2 × A। ए का मान हमारे पास है 200 प्लस एन माइनस 1 × D यानी 30 − 1 × D का मान हमारे पास है 50। ये आ गया। तो यहां पर 2 से काट देंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, ये कट गया हमारे पास। ये आ गया 15 और 200 दूना यहां पर हो जाएगा आपके लिए 400 प्लस 30 में से 1 × 29 × 50, ये आ गया। इसी तरीके से करते जाएंगे, यहां पर 15 और 400 ये हो गया आपके लिए, और प्लस ये गुणा करा देंगे 5 × 5 = 45 और हासिल लगा यहां पर 4 और 5 × 2 = 10 और 4 × 14 = 145, ये हो गया। और यहां पर एक जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने जीरो नहीं लिखा है, जीरो हो जाएगा। तो 15 और यहां पर 400 ये जोड़ लेंगे तो 1450 प्लस में 400, 0581 1850। 1850 यहां पर निकाल लेंगे और ये गुणा कर देंगे हम 1850 की 15 से। तो देखिए 5 × 0 = 5 × 25 = 5, हासिल लगा 2 और 5 × 8 = 40 = 42 = 2, हासिल लगा यहां पर 4, 5 × 5 = 9, 9250 × 1 से 0, 1 से 5 1 से 8 1 से 1, 0 5 7 8 9 8 17 = 7 1 1 2, 2000 यहां पर 27750 है। ये हमारा S30 यानी ये आ जाएगा आपके लिए 27750 आ जाएगा, ये हमारा जो है सम आ जाएगा। यानी इतना पैसा जो है इसमें 30 दिन का विलंब शुल्क, अगर ये इस हिसाब से बढ़ रहा है, इस रेंज में बढ़ रहा है, हर प्रत्येक दिन जो है अलग अलग यहां पर नंबर निकल रहा है। तो इस तरीके से यहां पर इतना अमाउंट आ जाएगा उनके लिए। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे यहां पर प्रश्न की, और प्रश्न है आपके लिए 13वां प्रश्न, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, 13वां बताएंगे अब आपके लिए। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपके लिए अब हम प्रश्न बताएंगे। 12वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न देखिए क्या है, 13वां प्रश्न लिखा हुआ है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं। 7 नगद पुरस्कार, 7 पुरस्कार देने हैं। और यहां पर यह बोला गया है कि 700 रुपए की राशि है, 7 तो नगद पुरस्कार देने हैं और टोटल रुपए जो है 700 रुपए उनको देने हैं, 700 रुपए 7 नगद पुरस्कार देने हैं। कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम हो, अगर मान के चलेंगे कि पहला पुरस्कार ए है, देखिए ध्यान से, पहला पुरस्कार अगर हमने ए माना है तो इस हिसाब से जो अगला पुरस्कार है वो 20 रुपए कम होता है, 20 रुपए कम, हर पुरस्कार 20 रुपए, अगले से एक 20 रुपए कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी, जो कॉमन डिफरेंस है, वो नेगेटिव में है, माइनस का 20 रुपए, 20 रुपए कम हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो इस हिसाब से कह रहे हैं कि आपके लिए बताना है कि ए का मान क्या होगा, यानी पहला दूसरा तीसरा पुरस्कार क्या होंगे। तो D का मान -20 दिया गया है, A का मान पहला पुरस्कार है और 7 नगद पुरस्कार देने, यानी N का मान 7 हम मान सकते हैं क्योंकि 7 नगद पुरस्कार देने। तो इनका जो N यानी 7 पदों का जो योगफल, यानी जो रुपयों का जो सम है 7 पुरस्कारों का, वो है 700। कितना है? 700। ये बात दी गई है कि 7 पुरस्कार अगर हम बांटेंगे तो 700 रुपए के होंगे कुल।
अब एक पुरस्कार प्रत्येक पुरस्कार जो है 20 रुपए कम होता है, इस बात को भी हमें यहां पर लिख लिया है। डी का मान जो है कॉमन डिफरेंस माइनस का 20 है। तो यहां पर सूत्र लगा देते हैं S7 का, तो हम 7 पदों का योगफल यहां पर निकालेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, 7/2 2 into a का मान हमें मालूम नहीं है, प्लस n माइनस 1 यानी n का मान है 7, तो 7 - 1 into d, d का मान है हमारे पास माइनस का 20, इस बात को हम लिख लेंगे, और बराबर में हमारे पास है 700। क्लियर। अब यहां पर देखें 7/2 आ जाएगा 2 into a यानी 2a, प्लस 7 - 1 चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 6, और d का मान है माइनस का 20, बराबर में हो जाएगा आपके लिए 700। तो यहां पर सॉल्व करते रहेंगे, 7/2 × 2a प्लस यहां पर देखें 6 की गुणा कर देंगे, 6 × 2 यहां पर 12 माइनस का 12 और एक 0 आ जाएगा यानी 120 बराबर में 700। तो इस हिसाब से यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है 7/2 को मैं उधर भेज दे रहा हूं, तो हमारे पास बचेगा 2a माइनस का 120 बराबर में 700 और बटे में 7/2 जाएगा, तो 7/2 हमने यहां पर लिख लिया। तो 2a माइनस का 120 बराबर में 700 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा और 7 आ जाएगा नीचे, तो 7 से काट देंगे, 7 × 1 = 7 ये 000 हो गया, यानी यहां पर हो गया 2a माइनस का 120 बराबर में 100 × 200 ये हो गया। तो इस हिसाब से यहां पर बचा 2a बराबर 200 और 120 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 120। बात समझ में आ रही है? देखिए कुछ नहीं किया, सिंपल यहां पर 120 को उधर भेज दिया है, तो हमारे पास 2a बराबर आ जाएगा 200 और एक 320। तो 2a बराबर यहां पर 320 आ गया है, और a का मान निकालेंगे जब हम, तो 320 बटे में आपके लिए आ जाएगा 2, तो भाग कर देंगे 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 और ये 0 160 आ गया, यानी a का मान जो है पहला पुरस्कार जो है 160 आ गया है मान। इस हिसाब से हमें दूसरा भी निकाल लेना चाहिए, तो दूसरा अगर हम निकालेंगे तो T2 बराबर A प्लस 1 इंटू डी, ए का मान है 160 प्लस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 20, तो 160 और माइनस का 20 हो जाएगा, तो 160 माइनस 20 यहां पर आपके लिए 140, दूसरा पुरस्कार 140। तीसरा पुरस्कार निकालेंगे T3, तो A प्लस 2D हो जाएगा, यानी A का मान है 160 और प्लस 2 × d का मान है 20 माइनस का, तो 160 माइनस का 20 दूना 40, तो इस हिसाब से आ जाएगा 120 तीसरा पुरस्कार। ऐसे ही चौथा पुरस्कार निकालेंगे, तो T4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d, तो a का मान है 160 प्लस 3 × d का मान है माइनस का 20 और ये हो जाएगा 160 माइनस 20 60, तो ये हो जाएगा 100 चौथा पुरस्कार। पांचवा पुरस्कार निकालेंगे, तो T5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d, a का मान है 160 प्लस 4 × d का मान है माइनस का 20, तो यहां हो जाएगा 160 माइनस 4 × 2 = 8 यानी 80, तो 160 वैसे 80 यहां पर चला जाएगा, 100 आया था पहले 20 कम कर दो, तो यहां पर आ जाएगा आपके लिए 80। छठा पुरस्कार इस हिसाब से होगा, देखिए 80 बचा 20 कम कर दो तो 60 हो जाएगा। सातवां जो पुरस्कार हो जाएगा वो यहां पर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए यहां पर 20 और कम कर दो 40। तो इस तरीके से सातों पुरस्कार यहां पर हमारे लिए प्राप्त हो चुके हैं, जो हम इस तरीके से टर्म के हिसाब से निकाल लेंगे। तो यहां पर हमारा जो प्रश्न 13वां था वो कंप्लीट हो चुका है। अब केवल केवल आपके लिए 3 प्रश्न लघु उत्तरी बचे हुए हैं, 14, 15, 16, इनको भी हम आपके लिए इसी वीडियो में कराएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हैं, और पूरी आपके लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। अभी 3 प्रश्न बकाया है, 3 प्रश्नों को आप करेंगे, फिर उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे।